एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे हमारी यूट्यूब फैमिली। सो अभी हम गोरखपुर के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह स्पेशल जगह पे हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, और ये जगह काफ़ी पुराना है और अभी तो बहुत ही अच्छा आई होगी, सरकार में शुद्धिकरण भी हो गया है तो बाबा ने बहुत कुछ किया यूपी में, ये तो सच बात है। सो आप लोग को मैं दिखाऊँगा इस जगह का नज़ारा। और ये अभी मैं राजघाट पर हूँ, आप लोग देख लीजिए पीछे, ये अभी मैं राजघाट पे हूँ और इसका पूरा नज़ारा आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे और वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि हर एक पार्ट ज़रूरी होता है वीडियो का, एक भी पार्ट मिस करेंगे तो वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। सो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करिए, नीचे लाल कलर का बटन है और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। और आपके लिए इतना ज़्यादा अगर मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप भी एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा नज़ारा, आप लोग पीछे काफ़ी ज़्यादा मंदिर जैसा देख रहे हैं, अब बताते हैं आपको कि ये क्या है। सो हे एवरीवन, अभी आप लोग देख रहे हैं ये सब, ये बैठने का जगह है, आप लोग जो मंदिर टाइप में देख रहे हैं ये सब, यहाँ पे लोग जैसे धूप है अभी तो लोग यहाँ पे आराम से आराम करते हैं, या रात को भी लाइक बारिश हो रहा है तो आराम करते हैं। उसको मैं पास से भी आपको दिखाऊंगा, ये पूरा नज़ारा है। उधर देखिए अभी काम चल रहा है राजघाट का ही, ये अभी कुछ बाढ़ आया था जैसे उसमें टूटा होगा तो उसी के कारण वहाँ पर अभी बन रहा है, फिर से उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। और इधर आप लोग देख रहे हैं इधर ही पूरा मस्त घाट है और उसके बाद मैं घाट का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, ये दाह संस्कार हो रहा है और वहीं पे दाह संस्कार होता है लोगों का। और इसके पहले जब मैं राजघाट आया था तो अपने को वीडियो दिखाया था, ये सब भर गया था यार सब, वो आगे जो शंकर भगवान का मंदिर है उसको भी मैं पास से दिखाऊँगा और वो सब भर गया था। शंकर भगवान का मूर्ति बचा था, मतलब आधा तो डूब ही गया था, मतलब सब डूब गया था यार, पूरा यहाँ राजघाट ही डूब गया था। और काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं, यहाँ पे दाह संस्कार होता है लेकिन काफ़ी लोग घूमने आते हैं। और उस टाइम मैं उस घाट पे था, आगे वाले घाट पे, आपको पिछले बार इधर का जूम करके दिखाया था, इस बार उस घाट का जूम करके दिखाता हूँ। और ये जो नौकायान आप लोग देख रहे हैं ये मेरे ख्याल से नया चालू हुआ है, नगर निगम गोरखपुर टिकट काउंटर भोले वंदना प्राइवेट लिमिटेड। और ये आप लोग देख रहे हैं ऊपर ये जो बैलून है उसको लिखा गया है नौकायान गोरखपुर गोरक्षा गुरु श्री गोरखनाथ घाट गोरखनाथ घाट ये लिखा हुआ है वहाँ पे। और पूरा मतलब दिखाई ही नहीं दे रहा है तो क्या मैं पढ़ के बताऊँ। राप्ती नगर का है ये, संचालक है भोले वंदना प्राइवेट लिमिटेड। और काफ़ी मस्त सा सीन है यहाँ का, आप लोग देख के पता लग ही रहा होगा और काफ़ी प्यारा सा सीन है। और एक बात, आप अगर किसी दाह संस्कार या किसी घाट पे आप लोग जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ की अनुभूति वहाँ पे, आप कुछ भी मतलब गंदा या कुछ भी हुआ आप आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचेंगे, बस मतलब एकदम आपको सुकून मिलेगा। तो अगर आप गोरखपुर के हैं तो यहाँ पर मतलब मूड ऑफ हो तो आ जाइए, मस्त सुकून मिलता है यार। मैं भी आज ऐसे घूमने आया था, बस ब्लॉग करने नहीं आया था, लेकिन बोला कि अगर मैं आया हूं तो आप लोग क्यों नहीं आएंगे, आपको भी दिखाया जाए। सो आप लोग देख रहे हैं यहाँ का प्यारा सा सीन। सो हे एवरीवन, अभी हम लोग शंकर भगवान का ये मंदिर है और इसी के पास में है, आपको मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाया था, काफ़ी प्यारा सा मंदिर है और लोग यहाँ पे भी आके आराम से इधर साइड में बैठ सकते हैं, बैठते भी हैं। और अभी दो भैया लोग थे इधर जो जा रहे हैं, ये लोग बैठे हुए थे यहीं पर। सो आपको इसका भी नज़ारा दिखाता हूँ और उसके बाद मैं ये जो भगवान शंकर भगवान का जो मूर्ति है उसके काफ़ी पास आ चुका हूँ तो उसका भी नज़र आपको दिखाऊंगा। सो हे एवरीवन, ये देख रहे हैं यही मंदिर है और काफ़ी प्यारा सा नज़ारा है, आगे शिवलिंग है और उसके अंदर मूर्ति है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ जूम करके। और ये आगे मूर्ति आप लोग देख रहे हैं और काफ़ी प्यारा सा सीन है यहाँ का, और ये मंदिर का सीन आपको मैं दिखा रहा हूँ। और काफ़ी यहाँ पर लोग जो यहाँ के रेगुलर हैं मतलब यहाँ रहते हैं आस पास में, वो लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, ये गुल्ली डंडा जो होता है वो खेल रहे हैं। और आपको मैं अब शंकर भगवान की मूर्ति का नज़ारा मैं दिखाता हूँ और काफ़ी प्यारा सा यह मूर्ति का सीन है और इसको मैं दिखाता हूँ। अभी इसमें काम ही चल रहा है, अभी रिपेयरिंग हो रहा है।
क्योंकि इसके पहले जब मैं आया था तो अभी तो डूबा हुआ था, इसके कारण इधर मैं नहीं आया था क्योंकि पूरा इधर पानी था। आप लोग देख रहे हैं ये प्यारा सा सीन, ये बीच, ये राजघाट का बीच का सीन, और काफ़ी बड़ा है ये घाट है। आपको मैं दिखा दूँ, काफ़ी बड़ा घाट है। इधर लोग गेम खेल रहे हैं, उधर देख लीजिए वो पूरा नज़ारा, और काफ़ी प्यारा सा सीन है। उधर एक मंदिर है, उसको भी मैं दिखाऊँगा आगे वीडियो में। सो दिखाते हैं इस मूर्ति को अब। ये आप लोग मूर्ति देख रहे हैं, शंकर भगवान का काफ़ी बड़ा मूर्ति है, और ये 001 आर्ट्स ग्रुप गोरखपुर DDU फाइन आर्ट्स आर्टिस्ट संजय पासवान के द्वारा इसको किया जा रहा है, और काफ़ी प्यारा सा यहाँ का सीन है। सो मैं आपको आगे पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। सो हे एवरीवन, ये आप लोग देख रहे हैं, ये अभी ये हो रहा है नौकायान जो मैं आपको बताया था। अभी लोग नाव की ये जो बोट राइडिंग होता है वो आप ये लोग कर रहे हैं, और काफ़ी मस्त सा सीन आप लोग देखिए, ये प्यारा सा सीन, और काफ़ी मज़ा आता होगा यार। मैं भी किया हूँ, काफ़ी बार किया हूँ, इसलिए इस बार नहीं जा रहा हूँ। और ये पूरा नज़ारा यहाँ इधर का, और ये आप लोग देख रहे हैं ये काम चल रहा है यहाँ पे। पहले पलाई लगाया जाता है, उसके बाद ये पत्थर का है, और पहले पलाई लगाया जाता है उसके बाद ये अभी रंगा जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी मस्त सीन है। पलाई के बाद ही ये पत्थर का लगाया जाता है। आप लोग देख रहे हैं फुल अभी पलाई है, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम आइएगा तो आपको पत्थर मिलेगा। सो आपको आगे का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। इधर पूरा घाट है और इधर का फुल सीन आपको दिखाते हैं। सो हे एवरीवन, अभी मैं मेन गेट पे हूँ, राजघाट के मेन गेट पे, और यहीं से यार मैं कैसा व्लॉगर हूँ, पहले अंदर का सीन दिखा उसके बाद मेन गेट पे आ रहा हूँ, मतलब सबसे पहले लोग मेन गेट दिखाते हैं। चलिए कोई ना, मज़ा तो आपको आ ही रहा होगा क्योंकि दिखा तो सब रहा हूँ, आगे दिखाऊँ या पीछे दिखाऊँ। और उधर से शुरू किया तब भी सही है, इधर से शुरू किया क्योंकि दिखाना तो मेन गेट ही है, सिर्फ देख रहे हैं ना। काफ़ी मस्त सीन, और देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी लोग घूमने। उधर आप लोग पीछे देख रहे हैं, और इधर मस्त सीन है। इधर बैकुंठ धाम है, आप लोग को मैं दिखा दूँ, इधर बैकुंठ धाम है पीछे, और इधर मैं जाने वाला था लेकिन नहीं जाऊँगा क्योंकि जूता पहना हुआ हूँ, और जूता खोल के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि क्या पता भीड़ भी नहीं दिख रही वहाँ पर, और जाके सिर्फ बैठना है। तो अभी मतलब अभी जा रहा हूँ घर, तो घर जाता हूँ, अभी चलते हैं उस साइड, उस साइड का कुछ नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद जाएंगे घर। सो आप लोग देख रहे हैं ये जो उधर दिख रहा है आपको लकड़ी, उधर से ही लोग दाह संस्कार के लिए लकड़ी लेते हैं, और आगे भी आपको लकड़ी मिल जाएगा अगर आपको चाहिए, मैं दिखाता हूँ आपको आगे। सो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और दिखाते हैं इधर पूरा साइड में, इधर भी लकड़ी है, आपको कहीं से भी चाहिए तो ले सकते हैं, कहीं से भी आगे भी ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं, और इधर तो पूरा यार पूरा लकड़ी भरा हुआ है, और काफ़ी अच्छा सा सीन है यहाँ पे। लेकिन बहुत दुख भी होता होगा कोई दाह संस्कार टाइम आता होगा तो, लेकिन मस्त सीन है, इधर आप लोग लकड़ी ले सकते हैं। सो आपको चलते हैं आप उस साइड, और उस साइड का कुछ नज़ारा दिखाएंगे, उसके बाद ब्लॉग को करेंगे एंड। सो है एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स दाह संस्कार की व्यवस्था है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू लोग जलाए जाते हैं, और इधर जब बारिश होता है तो इधर लोग आके जलाए जाते हैं। लाइक उधर पूरा बारिश में कैसे हो पाएगा, तो इधर ही होता है। और मैं आगे चलता हूँ, आगे का कुछ नज़ारा आपको दिखाता हूँ। सो चलते हैं आगे, अब आगे ऊपर से कुछ नज़ारा दिखाएंगे। देखिए अभी कोई जलाया ही गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हुआ यहाँ पे आ ही रहा है। सो आगे चलते हैं, और आगे इससे पार तो नहीं जा सकते क्योंकि सीढ़ी है और स्कूटी है, स्कूटी पे तो नहीं गिर जाएंगे यार, तो आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो लाइक कर ही देना यार। सो आप लोग देख रहे हैं इधर कितना ज़्यादा भीड़ है, और उधर ही हम लोग थे, वो जो आप लोग देख रहे हैं उधर ही हम लोग थे, और यहाँ पे जो दाह संस्कार मैं बोल रहा था यहीं पे होता है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, और काफ़ी प्यारा सा नज़ारा है यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं। प्यारा सा क्या यार, जिसके घर होता होगा उसको मतलब दुख तो होता होगा, एक उम्र पे कोई मरता है तो सही है, पहले जो भी हो। और ये देखिए आपका बैकुंठ धाम का पूरा नज़ारा, और ये पूरा मस्त सा सीन है राजघाट का, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये देखिए। और इधर भी कोई अभी जला ही है क्योंकि उधर भी अभी धुआं निकल ही रहा है। सो अब चलते हैं और आगे का वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे आगे। सो हे एवरीवन, अब मैं इस घाट पे आ गया, दूसरे वाले घाट पे, इस साइड वाले पे, और देखिए आगे का नज़ारा मस्त सा सीन है,
और पानी बहुत ही कम हो गया यार। हम लोग आए थे तो इधर जो नीचे वाला दिख रहा है, जो सीढ़ी के पास तक पानी था उस टाइम, और अभी बहुत ही कम पानी हो गया। और ये देखिए मस्त सा सीन है यहाँ पे। और इधर भी घर चारों तरफ डूब गया था, लेकिन अब लोग रहने लगे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। और काफ़ी अच्छा सा सीन है यहाँ का, आप लोग देख रहे हैं। और ये जो ब्रिज है इस पार से उस पार, अभी ये क्रॉस करके अभी मैं आया इधर, तो दिखाते हैं सब। हे एवरीवन, एंड करते हैं इस ब्लॉग को। और अभी हम आ गए हैं घर पे, और राजघाट का सीन काफ़ी प्यारा था, काफ़ी मन सुकून मिला वहाँ पे, जितना दिन देर भी रहा, और काफ़ी मज़ा भी आया आपको दिखाने में। आप देखे हैं तो पता चला ही होगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ वहाँ पे। मैं 2-2.5 घंटे तक था, तो काफ़ी मस्त था, सुकून मिल रहा था। सो एंड करते हैं इस ब्लॉग को। वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे लाल कलर का बटन है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप सिवान और गोरखपुर के हैं तो अपने छोटे भाई को ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि सिवान मेरा अपना घर है, तो सिवान वाले तो खास कर ही सपोर्ट करें, और ज़्यादा गोरखपुर का वीडियो दिखाता हूँ तो वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।